गौतम गंभीर को ISIS कश्मीर से मिली जान से मारने की धमकी, घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। आदाब, मैं अक्सा शेख, लंत्रानी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को मंगलवार को धमकी भरा मेल आया है। उनको और परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि ISIS कश्मीर उन्हें खत्म कर देगा। रात में गौतम गंभीर ने मध्य दिल्ली DCP श्वेता चौहान को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच जारी है। पुलिस हर एंगल से इस केस में जांच कर रही है। बता दें कि गौतम गंभीर विपक्ष के नेताओं पर अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को घेरा था। गंभीर ने सिद्धू को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहने पर कहा कि पहले अपने बच्चों को सीमा पर भेजें, फिर ऐसे बयान दें। गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि भारत 70 वर्षों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और सिद्धू की ओर से एक आतंकवादी देश के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई कहना शर्मनाक है। उन्होंने ट्वीट किया, अपने बेटे या बेटी को सरहद पर भेजें और फिर किसी आतंकवादी राज्य के मुखिया को अपना बड़ा भाई बुलाएं। उन्होंने कहा कि क्या सिद्धू को याद है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पिछले एक महीने में कश्मीर में हमारे 40 से अधिक नागरिकों और जवानों को मार डाला। वहीं अरविंद केजरीवाल की अयोध्या यात्रा पर भी उन्होंने निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीति में दोहरे मानदंडों वाली राजनीति कर रहे हैं और राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा कर अपने पापों को धोने का प्रयास कर रहे हैं। गंभीर ने कहा कि सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने विभिन्न अवसरों पर राम मंदिर पर क्या बोला है। अब वह अयोध्या जाकर अपने पाप धोना चाहते हैं। केजरीवाल राजनीति में पाखंड और दोहरे मानदंड का दूसरा नाम है। गंभीर ने ये भी कहा कि कुछ मायनों में AIMIM जैसी पार्टियां केजरीवाल से बेहतर हैं, क्योंकि वे अपने सांप्रदायिक एजेंडे और काम के प्रति स्पष्ट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लंत्रानी न्यूज़।